नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे, बस आपसे एक वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की लगातार खबरें मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो दिसंबर तक सभी भारतीय लोगों को लगेगी वैक्सीन, ऐसा होगा सरकार का 216 करोड़ डोज का प्लान। जी हां, देश में कोविड 19 वैक्सीन की किल्लत के बीच अच्छी खबर है। कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर विनोद कुमार पॉल ने कहा है कि दिसंबर तक सभी नागरिकों को टीका लगाने के लिए देश के पास पर्याप्त वैक्सीन होगी। गुरुवार को उन्होंने कहा कि अगस्त से दिसंबर के बीच 216 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे। पॉल ने कहा कि इस लिहाज से हर भारतीय को टीका लगाने के बाद भी पर्याप्त डोज बाकी होंगे। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि भारत और भारतीय के लिए अगस्त से दिसंबर के बीच कुल मिलाकर 216 करोड़ डोज का निर्माण किया जाएगा। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैक्सीन सभी के लिए उपलब्ध होगी। जनवरी में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को मंजूरी दी थी। बीते महीने रूस की स्पुतनिक 5 को भारत में आपातकालीन उपयोग की अनुमति मिल गई है और पॉल ने कहा कि स्पुतनिक 5 पहले भी भारत आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि कहते हुए खुशी हो रही है कि हमें उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक बाजार में आएगी। हमें उम्मीद है कि रूस से मिली सीमित सप्लाई की बिक्री अगले हफ्ते शुरू हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने पर डायल करें यह नंबर, तुरंत वापस होगा सारा पैसा। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक हेल्पलाइन नंबर 1552 जारी किया है। इस खास नंबर को सरकार ने लोगों को ऑनलाइन फर्जीवाड़े से बचाने के लिए जारी किया है। अगर आप कभी ऑनलाइन बैंकिंग फर्जीवाड़े का शिकार हो जाएं, तो आपको तुरंत 1552 नंबर को डायल करना चाहिए। इस नंबर के डायल करने के 7 से 8 मिनट के भीतर आपका सारा पैसा वापस आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। दरअसल आपकी रकम जिस खाते या फिर आईडी पर ट्रांसफर हुई, उसका सरकार की 1552 हेल्पलाइन से उस बैंक या फिर ई साइट को अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा, फिर आपकी रकम होल्ड हो जाएगी। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो हेल्पलाइन नंबर 1552 डायल करके शिकायत दर्ज करानी होगी। इसके बाद हेल्पलाइन नंबर पर प्राथमिक पूछताछ के दौरान आपका नाम, मोबाइल नंबर, फ्रॉड की टाइमिंग, बैंक अकाउंट नंबर की जानकारी हासिल की जाएगी। इसके बाद हेल्पलाइन नंबर आपकी जानकारी को आगे कार्रवाई के लिए पोर्टल पर भेज देगा, फिर संबंधित बैंक को फ्रॉड की जानकारी दी जाएगी। जानकारी सही मिलने पर फ्रॉड वाले फंड को होल्ड कर दिया जाएगा, इसके बाद आपकी रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा फैसला, अमेरिका में वैक्सीन लगवा चुके लोगों को मास्क की जरूरत नहीं, 2 गज की दूरी का नियम भी खत्म, काम पर लौटेंगे लोग। जी हाँ, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वो देश आगे है जहाँ टीकाकरण हो चुका है, अमेरिका में भी इनसे शामिल है। इस बीच अमेरिका में CDC यानी कि डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने मास्क और 2 गज की दूरी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक जो लोग कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं, उन्हें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। साथ ही ऐसे लोगों को अब 2 गज की दूरी का नियम भी पालन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जब अपने दफ्तरों में लौट सकते हैं और नियमित रूप से काम कर सकते हैं। CDC की इस इंडोर मास्क गाइडलाइन का राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वागत किया है। बाइडेन ने इसे एक महान दिन बताया है। CDC की गाइडलाइन पे उन लोगों को कोविड नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लिए हैं। बता दें कि अमेरिका में बड़ी आबादी को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं, वहां 114 दिनों में ये उपलब्धि हासिल जा चुकी है। अब बच्चों को में टीकाकरण की तैयारी की जा रहा है। माना जा रहा है कि बच्चों को टीका लगाने के बाद स्कूल भी खोले जा सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के खौफ के चलते रेलवे को नहीं मिल रही है यात्री, ट्रेनों में लग रहा है ब्रेक। जी हाँ, कोरोना संक्रमण की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर काफ़ी तेज है। दूसरी लहर में लोग ज़्यादा भयभीत हैं, कोरोना के चलते लोग यात्रा करने से बच रहे हैं, ट्रेन में यात्री नहीं मिल रहे हैं। ट्रेनों में लगातार यात्रियों की संख्या कम होने से रेलवे धीरे धीरे कई रूटों पर ट्रेनों के परिचालन पर ब्रेक लगा रहा है। गुरुवार को भी रेलवे ने 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बसों में भी पर्याप्त यात्री नहीं मिल रहे हैं। रेलवे के अधिकारी का कहना है कि कोरोना की पहली लहर में ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई थी, इस बार ट्रेनें चल रही लेकिन कोरोना के खौफ से ट्रेनों में पर्याप्त यात्री नहीं मिल रहे हैं। ज्ञात हो कि मुंबई हावड़ा मार्ग पर स्थित रायपुर रेलवे स्टेशन से एक दिन में कुल 105 ट्रेनें तथा कुल 70,000 यात्री सफर करते थे, मगर कोरोना संक्रमण के चलते रायपुर रेलवे स्टेशन से वर्तमान में सिर्फ 25 ट्रेनें ही चल रही और 5,000 यात्री ही सफर कर रहे हैं। रेलवे को पर्याप्त यात्री न मिलने की वजह से रेलवे धीरे धीरे ट्रेनों पर ब्रेक लगा रहा है, ताकि रेलवे का नुकसान से बचा जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI और PNB में है खाता तो हो जाइए सावधान, सेविंग अकाउंट में लग रहा है भारी चार्ज। जी हाँ,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारकों के लिए एक बुरी खबर है। ये दोनों बैंक अपने खाताधारकों को बड़ी मात्रा में फीस वसूल रहे हैं। अलग अलग चीजों के नाम पे ये पैसे वसूले जा रहे हैं। इन दोनों बैंक के अलावा भी कई बैंक अपने खाताधारकों से कई तरह के चार्ज वसूल रहे हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट और बेसिक सेविंग अकाउंट पर ये राशि वसूली जा रही है। एक रिपोर्ट के आधार पर न्यूज एजेंसी ने बताया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट के खाताधारकों को महीने में चौथे ट्रांजेक्शन के बाद हर लेन देन के लिए 17.70 रुपए देने पड़ते हैं। ये फीस भी खाताधारकों पर बहुत ही भारी पड़ती है और इसे कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता। स्टडी में ये भी बताया गया है कि सेवा शुल्क लगाने से 2015-20 की अवधि के दौरान SBI के लगभग 12 करोड़ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट धारकों में से 300 करोड़ रुपए अधिक का अनुचित लाभ कमाया है। इसी दौरान पंजाब नेशनल बैंक ने 3.9 करोड़ खाताधारकों से 9.9 करोड़ रुपए कमाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ बैंक सेविंग अकाउंट को लेकर रिजर्व बैंक के नियमों की अवपालना कर रहे हैं, जिस पर RBI के कड़े कदम उठाने चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के 10 राज्यों में ब्लैक फंगस ने दी दस्तक, जाने इसके बारे में सबको। जी हां, देश में एक और जहां कोरोना के संक्रमण ने कोहराम मचा रखा है, वहीं 10 राज्यों में COVID-19 से उत्पन्न म्यूकोमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता दिख रहा है। इस बीमारी से रोगियों की आंखों की रोशनी जाने और जबड़े तथा नाक की हड्डी गलने का खतरा रहता है। ये इतनी गंभीर बीमारी है कि इसमें मरीज को सीधे ICU में भर्ती करना पड़ा है। गुजरात के साथ ही महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, यूपी, बिहार और हरियाणा में भी ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना मरीजों में पहले अगर किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी है तो उसमें ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है। COVID-19 के उपचार में स्टेरॉइड का उपयोग इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है। कई कोरोना वायरस के मरीजों को डायबिटीज होती है। जिस किसी भी मरीज को डायबिटीज की शिकायत होती है उनके ब्लैक फंगस की समस्या ज्यादा देखी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाजार में आम का जूस पीने वाले सावधान, शोध में सामने आए चौंकाने वाले नतीजे। जी हाँ, अगर आप बाजार में मिलने वाले डिब्बाबंद आम के जूस का सेवन कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए शोध में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। आम के रस में उच्च स्तर के पोषक तत्व और चीनी होती है जो आपको बीमार कर सकती है। बाजार में बिकने वाले आम के रस का स्वाद जितना अच्छा होता है वो उतना ही हानिकारक भी होता है। अगर आप बाजार में नामी ब्रांड के आम के जूस का सेवन कर रहे हैं तो आपको खास तौर पे सतर्क रहने की जरूरत है। बाजार में उपलब्ध रसों में बड़ी मात्रा में फूड कलर और चीनी मिलाई जाती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाल ही में 10 से अधिक ब्रांडों पर शोध किया गया है जिसमें अधिकांश नमूनों में हानिकारक चीजें मिली हैं। ऐसे में बाजार में मिलने वाला डिब्बाबंद आम का जूस सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। शोध से पता चला है कि आम के रस में डाई बेस कलर डेटाजीन सेंसेट येलो के अलावा खराब पानी की मात्रा अधिक होती है जिसका असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बहुरूपिया कोरोना RT-PCR टेस्ट को भी चकमा दे रहा है। COVID-19 के नए स्ट्रेन ने बढ़ाई डॉक्टर्स की मुश्किलें। जी हां, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कहर बरपा कर रखा है। इस बीच COVID-19 वायरस के नए स्ट्रेन ने डॉक्टर्स को संकेत में डाल दिया है। कोरोना वायरस का यह स्ट्रेन इतना खतरनाक है कि ये RT-PCR टेस्ट से भी पकड़ा नहीं जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें संक्रमित व्यक्ति से कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं लेकिन RT-PCR टेस्ट की रिपोर्टिंग नेगेटिव आ रही है। RT-PCR कोरोना संक्रमण की पुष्टि करने का अब तक का सबसे कारगर टेस्ट माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ दिनों में ऐसे कुछ मरीज मिले जिन्हें बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत और फेफड़ों में संक्रमण था। सिटी स्कैन कराने पर उनके फेफड़ों में हल्के भूरे रंग के पैच दिखाई दिए हैं। ये COVID-19 का एक विशिष्ट लक्षण है। डॉक्टर बताते हैं कि ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी RT-PCR टेस्ट नेगेटिव थी उन सभी का लेवेज टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में इन मरीजों में कोरोना लक्षण पाए गए हैं। ऐसे में कोरोना का बहुरूपिया और भी खतरनाक हो गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अंडों पर भी दिखा रहा है कोरोना का असर। 20 दिन में 2.5 रुपए तक हो गया महंगा। जी हां, देश के सबसे बड़े अंडे की मंडी बरवाला में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई है। मंडी के कारोबारियों ने देश की दूसरी मंडियों में भी अंडा खरीदना शुरू कर दिया है। कारोबारियों को जिस रेट पर भी अंडा मिल रहा है वो खरीद रहे हैं। इस तरह की हलचल पिछले 20 दिनों से देखने को मिल रही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह गाँव में कोरोना के फैलने और तीसरी लहर की आशंका के चलते हो रहा है। अचानक से अंडे की डिमांड बढ़ गई है। 20 दिन में ही अंडे के दाम 2 से 2.5 रुपए तक बढ़ गए हैं। कारोबारियों की परेशानी यह है कि डिमांड तो अच्छी खासी है लेकिन प्रोडक्शन नहीं है। इस वक्त अंडे का सबसे बड़ा ग्राहक देहात इलाके से आ रहा है। इससे पहले कभी देहात इलाके में अंडे की इतनी बिक्री नहीं हुई है। हालात ये हैं कि ऊपर बड़ी मंडियों में अंडा है नहीं और डिमांड हर रोज आ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोने पे सरकार का बड़ा फैसला, 1 जून से नहीं बिकेगी बिना हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी। जी हाँ,
देश में 1 जून 2021 से केवल हॉलमार्क वाली गोल्ड ज्वेलरी ही बिकेगी। केंद्र सरकार ने आज साफ कर दिया है कि 1 जून से गोल्ड हॉलमार्किंग की अनिवार्य कर दिया जाएगा। अभी तक ये स्वैच्छिक यानी कि वॉलेंटरी था, लेकिन अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि हॉलमार्क सोने की शुद्धता का प्रतीक होता है। हॉलमार्क वाली गोल्ड ज्वेलरी बिकने से देश में 1 जून से 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषण ही बिकेंगे। केंद्र सरकार ने ज्वेलर्स को गोल्ड हॉलमार्किंग की तैयारी करने और भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 1.5 साल से अधिक का समय दिया है। गोल्ड हॉलमार्किंग से सोने के गहनों की खरीदारी में अब धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और लोगों को शुद्ध सोना मिल सकेगा। उपभोक्ता मामलों के सचिव लीना चंदनंदन ने कहा है कि BIS ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग की मंजूरी देने से जुटा हुआ है। वहीं BIS के डायरेक्टर प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा है कि हम 1 जून 2021 से हॉलमार्किंग अनिवार्य करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।